नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ गंजन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के नेता सौरभ नाटेश शर्मा के नेतृत्व में आज तमाम कांग्रेसी द्वारा आयुक्त एवं महापौर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विद्युत कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जहाँ कांग्रेस नेता सौरभ नाटेश शर्मा के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाते हुए बताया कि रामपुर क्षेत्र में विद्युत कंपनी के अधिकारी के द्वारा स्ट्रीट लाइटों में बिजली की चोरी कर अपने बंगले के पार्कों में लाइट जलाई जा रही है, जिससे सीधे रूप से नगर निगम को क्षति पहुंच रही है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल का भुगतान किया जाता है। वहीं अधिकारी के द्वारा लंबे समय से बिजली की चोरी की जा रही है, जिससे नगर निगम को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। ऐसे अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाते हुए बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, कल आपके माध्यम से समूचे शहर ने, पूरे मध्य प्रदेश ने और देश ने देखा कि किस तरीके से बिजली के आला अधिकारी, जिनके कंधे पर इस प्रदेश में अच्छी बिजली व्यवस्था पहुंचाने की उनके ऊपर जवाबदारी है, किस तरीके से नगर निगम को चूना लगाया जा रहा है, इस शहर की जनता का जो पैसा है उसको बिजली चोरी के माध्यम से लूटा जा रहा है। वो स्ट्रीट लाइट जो नगर निगम ने पब्लिक कन्वीनियंस के लिए लगाई गई थी, उससे अपने निजी बिजली का उपयोग किया जा रहा है। पूरे तार बिछा के स्ट्रीट लाइट के केबल से अपने घरों को रोशन किया जा रहा है। एक एक घर में 50-50 हैलोजन, 1-1000 वॉट की हैलोजन, ये पूरा कल वहाँ पर ऑन स्पॉट आपके सामने हम लोगों ने दिखाया किस तरीके से चोरी की जा रही है। जब ट्रांसफार्मर से लाइट बंद की जाती है तो स्ट्रीट लाइट के साथ उनके बंगलों की भी लाइट बंद होती है। जब ट्रांसफार्मर से लाइट चालू करी जाती है तो उनके बंगले की भी लाइट चालू होती है। आपके सामने वो तार के कनेक्शन भी दिखाए गए कि किस माध्यम से इनके घर तक ये स्ट्रीट लाइट की चोरी की बिजली पहुंचती है। ये तमाम बातों का कल खुलासा होने के बाद आज हम लोग ने यहाँ पर नगर निगम में माननीय महापौर जी को, नगर निगम आयुक्त जी को ज्ञापन सौंपा है। उनको पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि किस तरीके से ये नगर निगम के राजस्व की हानि पहुँचा रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि इनके ऊपर FIR लॉन्च करने की का काम करें। माननीय महापौर जी ने तत्काल आदेशित करा है कि आयुक्त महोदय के माध्यम से एक पत्र जारी किया जाएगा और पुलिस प्रशासन से मांग की जाएगी कि इनके ऊपर FIR दर्ज। ये लगातार आपके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है। अब के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।